कुत्ता और गाय। बीड़ी पीते थे इसलिए मेरी बातचीत नहीं, बट ऐसा फील हो रहा है, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। स्वास्तिक भी बना दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है पितृ विसर्जन, 15 दिन के होते हैं ये पूरे श्राद्ध। तो आज इसका लास्ट डे है, और आज जैसे जिन लोग का रह जाता है श्राद्ध या पता नहीं रहता कि किस दिन है, तो वो लोग लास्ट दिन करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि हम श्राद्ध करवा पाते हैं ऐसे पंडित जी को बुला के, जैसे सभी लोग कराते हैं, क्योंकि पापा घर पे नहीं रहते। पर इस बार वो छुट्टी आए हुए हैं, तो उनके हाथों से आज श्राद्ध होना है। और आज जो है खाने की अगर हम बात करें तो उड़द की दाल बनती है, तोरी की सब्जी, आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, खीर बनती है। तो स्पेशली इस तरह का खाना जो है वो आज बनाया जाता है। पितृपक्ष के पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक इस तरह से चौखट पर फूल रखे जाते हैं और धूप जलाई जाती है। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन पितरों को पूजा तर्पण के साथ साथ उनकी जरूरत का सामान भी दिया जाता है। और क्योंकि दादाजी बीड़ी पीते थे इसलिए मेरी बातचीत नहीं, बेटा छेड़ने नहीं। तो ये सारी जरूरत के सामान जो है वो पितरों को चढ़ाया जाता है श्राद्ध के दौरान। कपड़े और ये कुर्ता पजामा, तो ये है कुर्ता पजामा, सभी लोग चढ़ाते हैं मतलब इस तरह से हर बार। मतलब हर बार मम्मी आप क्या करते थे? ऐसे दे देते थे, ऐसे ही देते थे। और इस बार पापा घर में हैं इसलिए हम पूजा करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी पंडित जी आएंगे और दिखाते हैं कैसे होती है फिर पूजा। मां पत्र भूषण समर्पण मां धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। ओम यहागच्छे यात्रिषु प्रतिष्ठितो वरद्रवा नारायणाय नमो नमः। ओम यहागच्छे यात्रिषु प्रतिष्ठितो वरद्रवा नारायणाय नमो नमः। ओम यहागच्छे यात्रिषु प्रतिष्ठितो वरद्रवा ओम आदि ओम हरिओम नारायणाय नमो नमः। अब आपने ऐसे करना है, ऐसे करके करना है, हाँ, दोनों हाथ ये अंगूठा यहाँ फंसा के ऐसे, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे अंगूठे से दबा देना ऐसे, और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। क्या होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या होता है, देवताओं के तर्पण होते हैं, फिर ऋषियों के तर्पण होते हैं, फिर यमराज धर्म राज के होते हैं, फिर पितरों के होते हैं, ठीक है जी। इसको पूरा पीछे करो पहले, ये ऐसे, अब पकड़ो सूच सीधे आपसे, पितरों के तर्पण सर्वप्रथम पिताजी के है जी। ओम हरिओम आदित्यादि देश काल स्मृता तो श्राद्ध काल एक हम जाता, इस श्राद्ध काल में इस पितृ पक्ष में तीर्थ स्थान गया जी का ध्यान करते हुए और पितृ देवताओं का आह्वान पूजन एवं तर्पण करते हुए, हे पितृ देवताओं मैं आपके पूजन का विसर्जन कर रहा हूँ। तो सको को, को, को ये कौवा हो गया, ये कुत्ता हो गया, ठीक है जी। अब जनेऊ फिर से इधर ही कर देना, अब पलोथी मार दिया, ये जनेऊ सीधा होता है ना। ओम हरिओम नारायण ओम यागच्छात्रिषा गाय पितृ देवता है, कौवा कुत्ता और गाय। अब जनेऊ छोड़ दो जी। कहाँ जा रहे हो आप आज? आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। नानी से पूछ तो लो, नानी को कैसा फील हो रहा है, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं, और बुढ़ी नानी के घर भी चले जाना, उनको बोलने कि आप टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ बोलना, मैं जाने वाला अब घूमी घूमी, ठीक है। उन्होंने तो ढोल वाले बुलवा रखे बेटा, सिंगिस किंग के जैसे। बड़े बड़े हो जाओ, बड़े बड़े हो जाओ, पर समझदार बन के आना बड़े होके, हैं? हाँ, उधम नहीं मचाना, ठीक है। और सारे लोग इस बच्चे से परेशान थे,
और आप खुशी की लहर दौड़ते हुए पूरे बाला वाला में आ रही। बेटा आ रही, तो बुढ़ी नानी से मिलने जा रहा है मिट्टू, क्योंकि अब वो घर जा रहा है। बोलते बेटा हम जा रहे, बहुत परेशान किया सबने हमें बोला हम जा रहे हो। कर दो जू, जू कर दो जू, नानी को भी करो जू। ये देखिए आज सुबह सुबह का मौसम। कल था लास्ट दिन श्राद्ध का और आज से स्टार्ट है नवरात्र पे। अभी फिलहाल मैं कलश रख रही हूँ, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना आता है उस हिसाब से मैं अभी फिलहाल कलश रख रही हूँ। तो लास्ट डे रखा था और इस बार फिर से रख रही हूँ। सुबह तो मैंने पूजा कर दी थी, अब मैं कलश रखूँगी, तो एक बार फिर से दुर्गा चालीसा पढ़ के पूजा करूँगी। तो जी स्वास्तिक भी बना दिया है और धागा भी बांध दिया है, मोली मोली बोलते हैं इसे। अभी सुबह सुबह जाके आम के पत्ते लेके आई हूँ, 5 ये रखेंगे। तो ये जी कलश हो गया है रेडी, और ये अंकित से मैंने कल मंगवाया था। वैसे मैंने खरीद लिया था ये घर पे, पर मैं बहुत सा सामान अपना घर पे भूल के आ गई, तो फिर दोबारा मंगवाया कल शाम को, और अंकित को ज़्यादा ही बड़ा साइज़ का नारियल लेके आ गया। अब ये देखती हूँ ये कलश जो है इसका वेट उठा भी पाएगा कि नहीं। मुझे दीवार का जो है वो सपोर्ट लेना पड़ा वहाँ पे, तब जाके ये अटका, नहीं तो ये इसका वेट नहीं उठा पा रहा था। तो बस हो गया है सब सेट, अब करेंगे पूजा। ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे।